हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं चर्चा में अभी रहे रफाल विमान के बारे में, जो फ्रांस से अभी 29 जुलाई को 5 लड़ाकू विमान भारत आए हैं। इसके प्रमुख फैक्ट्स, इसमें क्या-क्या उपकरण लगे हुए हैं और भारत की सुरक्षा में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इन सब बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और ये देखेंगे किस प्रकार से हमारे आने वाले एग्जाम में किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चर्चा में क्यों है। अभी 29 जुलाई को 5 रफाल लड़ाकू विमान फ्रांस से हरियाणा स्थित अंबाला एयरबेस पर पहुंचे हैं। भारतीय वायुसेना के नंबर 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। ये पांचों राफेल विमान जो हैं उनको गोल्डन एरो स्क्वाड्रन 17 में शामिल किया जाना है। 90 के दशक में रूस से सुखोई 30 के बाद भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला यह पहला आयातित लड़ाकू विमान है, जबकि इससे पहले सुखोई 30 से बाद एचएएल भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित हल्का लड़ाकू विमान तेजस को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि लड़ाकू विमान रफाल के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की क्षमता 2 गुना तक बढ़ जाएगी। इसमें काफी एडवांस मारक क्षमता, ये कह सकते हैं कि काफी एडवांस हथियार एंड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। अब इसमें देखते हैं फ्रांस से किस प्रकार से समझौते हुए हैं। 2016 में मोदी सरकार ने पहले से चले आ रहे रफाल लड़ाकू विमान के सौदे को कैंसिल करके नया अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में 36 रफाल लड़ाकू विमान जो 2021 तक भारत पहुंच जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि बाकी के राफेल लड़ाकू विमान 2021 के अंत तक भारत पहुंच जाएंगे। इस समझौते में राफेल विमान बनाने वाली कंपनी फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ भारतीय वायुसेना के पायलटों और सहायक कर्मियों को विमान और हथियार प्रणाली पर प्रशिक्षण भी देने का करार हुआ है। इसमें एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें किसी प्रकार से टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर की बात नहीं की गई है। इसमें 36 राफेल लड़ाकू विमान जो फ्रांस में बनेंगे और उसके साथ साथ भारतीय पायलटों का प्रशिक्षण और उनके हथियार प्रणाली पर पूरी तरह से प्रशिक्षण कंपनी द्वारा दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं इसमें खास क्या है। रफाल फ्रांस का डबल इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जिसे फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस यह 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। भारतीय कंपनी एचएएल द्वारा निर्मित लड़ाकू विमान अभी जो वायुसेना में शामिल किया गया वो फोर्थ जनरेशन का लड़ाकू विमान बताया जाता है, जिसका नाम तेजस है। रफाल लड़ाकू विमान में मौजूद मिटियोर मिसाइल, क्रूज मिसाइल, MICA मिसाइल प्रणाली इसी की सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब हम देखते हैं, ये बारी बारी से देखते हैं ये क्या है। मिटियोर मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली तकरीबन 150 किलोमीटर दूर से दुश्मन के विमानों को निशाना बना सकती है। इससे पहले कि दुश्मन भारतीय विमान के करीब पहुंचे, यह मिसाइल उन विमानों को नष्ट कर सकती है। तो मेटियोर मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? हवा से हवा में मार करने वाली, जिसकी क्षमता 150 किलोमीटर है। अगला मिसाइल है क्रूज मिसाइल। राफेल में SCALP क्रूज मिसाइल प्रणाली जो हवा से जमीन में मार करने वाली प्रणाली है, यह तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी पर निशाना
साध सकती है। अभी चर्चा में काफी रहने वाली एक सिस्टम प्रणाली MICA मिसाइल प्रणाली है, जिसको इससे पहले भारतीय जहाज में भी इसका यूज किया जा चुका है। राफेल में मौजूदा यह मिसाइल प्रणाली एक बहुमुखी हवा से हवा में मार करने वाली प्रणाली है। इसे 100 किलोमीटर दूरी तक फायर किया जा सकता है। यह मिसाइल प्रणाली भारत में पहले ही भारतीय वायुसेना में मौजूद मिराज लड़ाकू विमान में कार्य कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं ये पहले से ही हमारे पास थी। हैमर मिसाइल जो अभी काफी चर्चा में है, यह अपने सटीक निशाने के लिए जानी जाती है। इसका निर्माण भी फ्रांस में फ्रांस की कंपनी द्वारा किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने राफेल जेट के लिए अत्याधुनिक मध्यम दूरी की मॉड्यूलर एयर टू ग्राउंड हथियार प्रणाली हैमर की खरीद की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस सटीक निशान लगाने वाली मिसाइल प्रणाली को मूल रूप से फ्रांस की वायुसेना और नौसेना के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी अन्य विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं, राफेल 2222.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 50,000 फीट की ऊंचाई तक यह उड़ सकता है। इस लड़ाकू विमान की रेंज तकरीबन 3,700 किलोमीटर है, यानी यह एक बार में लगभग 3,700 किलोमीटर तक बढ़ सकता है। हालांकि इस रेंज में मिड एयर रिफिलिंग के साथ बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि 3,700 किलोमीटर यह एक साथ जा तो सकता है, लेकिन इसको एक बार एयर में ही रिफ्यूल करना पड़ेगा। यह लड़ाकू विमान 15.27 मीटर लंबा है। यह अपने साथ एक बार में 9,500 किलोग्राम बम और गोला बारूद ले जा सकता है। इन तमाम विशेषताओं को देखते हुए ये हम कह सकते हैं कि राफेल लड़ाकू विमान भारत की सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि विदित है, अभी कुछ दिन पहले भारत की एयर डिफेंस या कहें कि वायुसेना ने अभी एक पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी, तो उसमें भारतीय विमान पाकिस्तान की बाउंड्री में जाना पड़ा था, तो इससे खतरा बढ़ सकता था कि भारतीय विमान को नुकसान पहुंच सकते थे अगर पाकिस्तान रेडार भारतीय विमान को कैच कर लेते। लेकिन अब राफेल के आ जाने से ये टारगेट हम इंडिया के बॉर्डर में रह करके ही ऐसे टारगेटों को निशाना बना सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी क्षमता काफी मजबूत हुई है, या कहें कि आगे जैसे जैसे शामिल होते जाएंगे हमारे भारतीय वायुसेना की शक्ति काफी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।